तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी जो मोबाइल फोटोग्राफी है, एडिटिंग है, ये सब चीज़ें अभी फॉर्म में चल रही है एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसी चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ खरीदी थी बहुत टाइम पहले एंड मैंने अब तक इसे यूज़ नहीं किया है। मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको भी बताना है एंड लॉकडाउन के बाद अगर आप लोग चाहो तो ये चीज़ परचेज कर सकते हो एंड ये वर्थ है कि नहीं एंड इसे क्या ड्रॉबैक्स है वगैरह वगैरह, ये चीज़ मैं ये वीडियो में कवर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है मोबाइल लेंसेज। बहुत लोगों को इसके बारे में पता रहेगा एंड बहुत लोगों को नहीं पता रहेगा। ये जो लेंसेज है वो आपके मोबाइल के बैक एंड फ्रंट कैमरा पे अटैच हो जाते हैं विद दिस होल्डर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये लेंसेज के नाम क्या है। सबसे पहले ये जो बड़ा वाला लेंस है वो है फिश आई 180 डिग्री लेंस। ये जो आपको एक वाइड एंगल का लुक दे देता है आपके वीडियोज पे, जैसे कि मैंने सैम्पल वीडियोज आप लोग के लिए बनाए हैं तो आप लोग देखना इसे। एंड अगर आप बात करोगे ये छोटे वाले लेंस की, ये छोटा वाला लेंस है 0.67 वाइड एंगल लेंस। ये भी वाइड एंगल लेंस की तरह ही काम करता है, बट ये आपके जो पीछे का बैकग्राउंड है वो थोड़ा ब्लर कर देता है एंड आपका जो मेन प्रोडक्ट है या फिर आपका जो मेन प्रोफाइल है उसे शार्पन कर देता है। गाइस, अभी अब देख लेते हैं हम लोग कि इसे कैसे आप अटैच कर सकते हो। सबसे पहले मैं ये जो बड़ा वाला लेंस है 180 डिग्री फिशाई लेंस, इसे सबसे पहले आपको लगा के दिखाता हूँ। गाइस, कुछ इस तरह आप अपने अपने मोबाइल पे ये लेंसेज को लगा सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि जब आप इसे लेंस लगा लेते हो तो आपको कैसे वाइड एंगल वाला लुक आ जाता है एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप ब्लॉगर हो या फिर आप फूड ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा आपको एक एंगल दे देता है। गाइस, अब मैंने अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरा पे 180 डिग्री फिशाई लेंस लगाया है एंड आप लोग देख सकते हो ये कितना वाइड एंगल लुक आपको दे देता है अपनी वीडियो में। अब मैं बताता हूँ इसका एक ड्रॉबैक जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो था ये लेंसेज की कर्विंग। अगर आप लोग देखोगे ये वीडियो में, जो ये लेंस की कर्विंग पार्ट है ये थोड़ा बहुत वीडियो के अंदर आ जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा इसे फिक्स करने की ट्राई की बट एट लास्ट मुझे थोड़ा जूम करना पड़ता है एंड देन जाके ये पार्ट हट जाता है एंड बट इससे क्या हो जाता है कि आपका जो वीडियो है वो थोड़ा ब्लर हो जाता है। गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने अभी ये 0.67 वाला लेंस लगा लिया है अपने कैमरा पे एंड जैसे कि आप लोग कंपेयर कर सकते हो जो ये वाला लेंस है ये बहुत ज़्यादा वाइड था, ये भी थोड़ा वाइड एंगल जैसा ही लुक देता है बट ये आपकी जो फुटेज है जैसे कि आप देख सकते हो पीछे का थोड़ा ब्लर हो गया है एंड मैं इसके अंदर थोड़ा शार्पन हो गया हूँ। ये थोड़ा बहुत पोर्ट्रेट मोड जैसा वर्क कर लेता है। आप लोग देख सकते हो कि मैं थोड़ा बाहर आके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले एंड ये किस तरह फोकस कर लेता है अपने ऑब्जेक्ट को। आप इसके अंदर वो ड्रॉबैक नहीं दिख रहा मुझे जो पहले वाले लेंस में था कि कर्विंग साइड में आ जाते। देखो ये पूरा फोकस मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर जूम नहीं किया है एंड इसके अंदर जो कर्विंग पार्ट है वो नहीं आता है। गाइस, अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, ये मुझे मैंने ऑफलाइन परचेज किया था मुझे ये 150 समथिंग में मिल गया था एंड दोनों लेंस के साथ एंड इसका जो अटैचमेंट है साथ में सब साथ में मिला था। एंड अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करोगे तो शायद थोड़ा महंगा मिलेगा बट मैं तो भी लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट अभी शायद अवेलेबल रहना रहे, लॉकडाउन है। बाद में अगर आपको लेना रहेगा तो शायद तब अवेलेबल रहे एंड देन आप ले सकते हो दोनों लेंस को।